కమల నాదులు కమల దళపతి రాకతో పులకరించిపోయింది మీ అందరి పక్షాన నరేంద్ర మోదీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకో మరి ముఖ్యంగా నారీ శక్తి వందన్ బిల్ 33% మహిళలకు రాజాధికారిగా అందించినటువంటి మహిళలందరి సోదరుడు నరేంద్ర మోదీ గారికి నారీ శక్తి వందనాలు అభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు వారు మాట్లాడే అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాము మోదీ మోదీ भारत माता की भारत माता की भारत माता की ना तेलंगाना कुटुंब सभ्युलंदरिकी नमस्कारालु लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव प्रारंभ हो चुका है और 13 मई को तेलंगाना के लोग एक नया इतिहास रचने वाले हैं। 13 मई को तेलंगाना में होने वाला मतदान विकसित भारत के लिए होगा और जब भारत विकसित होगा तो तेलंगाना भी विकसित होगा। यहां तेलंगाना में बीजेपी के लिए लगातार जन समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। तेलंगाना का ये दृश्य, जगतियाल का यह जनसैलाब, इसका प्रमाण है। मैं पिछले 3 दिनों में दूसरी बार तेलंगाना आया हूं। उसके पहले मैं तेलंगाना के लिए हजारों करोड़ रुपयों की विकास परियोजना की सौगात लेकर भी आपकी सेवा में हाजिर हुआ था। इसी महीने मैंने आदिलाबाद से पूरे देश और तेलंगाना के लिए 56,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया था। संगारेड्डी में भी हाईवे, रेलवे और एयरवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं को समर्पित किया था। ये विकास आज तेलंगाना के हर इलाके में पहुंच रहा है। इसलिए तेलंगाना के कोने कोने में बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। आपने देखा होगा, अभी मुझे मल्काजगिरी में भी जनता जनार्दन
हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर उमड़ आई थी। जैसे जैसे 13 मई निकट आ रही है, वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, तेलंगाना में बीजेपी की लहर, कांग्रेस का, बीआरएस का सुपड़ा साफ कर देगी। और इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार, 4 जून को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। और इसलिए लोग कह रहे हैं 4 जून को, 4 जून को, 4 जून को। और तेलंगाना भी कह रहा है अब की बार विकसित भारत के लिए, विकसित तेलंगाना के लिए, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के लिए, गरीब की उन्नति के लिए, किसान कल्याण के लिए, युवाओं को नए अवसर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, मजबूत भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, नालगो वन्नलो दाटाली, बीजेपी की वोटू वैयाली। साथियों, तेलंगाना की ये धरती भारत माता की। देखिए मेरा कितना सौभाग्य है, मेरे सामने शक्ति स्वरूपा एक बेटी शक्ति का रूप धारण करके मुझे आशीर्वाद देने आई है। उधर भी एक बेटी देखिए शक्ति स्वरूपा बन के मुझे आशीर्वाद देने आई है। और इधर देखिए इतनी माताएं बहनें शक्ति स्वरूपा आज मोदी को आशीर्वाद दे रही है। अभी कल मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है, मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता।
ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं, मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है? क्या क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहने, शक्ति स्वरूपा आप है, क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे? क्या मौका देंगे? क्या शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडी अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है, घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा, कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। साथियों, तेलंगाना की ये धरती कोई साधारण धरती नहीं है, ये वो धरती है जिसने अंग्रेजों से संघर्ष किया, जो रजाकारों के अत्याचारों से लड़ाई लड़े। इस धरती ने देश की अखंडता और सम्मान के लिए संघर्ष किया। बावजूद इसके
आजादी के बाद तेलंगाना को कांग्रेस के सियासी षड्यंत्रों को सहना पड़ा। एक और वो कांग्रेस पार्टी है जिसने तेलंगाना के सपनों को कुचला है, दूसरी ओर वो बीआरएस है जिसने यहां के लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया, सत्ता पाई और बाद में जनता से विश्वासघात कर दिया। तेलंगाना का निर्माण के पहले 10 वर्षों तक बीआरएस ने पहले 10 साल बीआरएस ने तेलंगाना को जम करके लूटा है। लूटा है कि नहीं लूटा है? और अब कांग्रेस ने तेलंगाना को अपना एटीएम स्टेट बना लिया है। तेलंगाना से लूटा गया ये पैसा दिल्ली तक जाता है, वहां परिवारवादी लोगों की तिजोरी में पहुंचता है, फिर इसी पैसे का इस्तेमाल देश में झूठ और बंटवारे की साजिशों की फंडिंग के लिए होता है। और तेलंगाना के लोग जानते हैं एक घोटालेबाज दूसरे घोटालेबाज पर कभी कार्रवाई नहीं कर सकता, इसलिए जो कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय बीआरएस पर घोटालों का आरोप लगाती थी, आज वही कांग्रेस बीआरएस की फाइलों पर हाथ धरकर बैठ गई है। साथियों, बीआरएस और कांग्रेस की मिलीभगत कितनी जबरदस्त है ये भी आज तेलंगाना के लोग देख रहे हैं। आज बीआरएस के घोटालों पर कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। कालेश्वरम स्कैम के अरबों रुपए कहां चले गए, कांग्रेस में कोई इसका जवाब नहीं मांग रहा है। और कांग्रेस जो सैकड़ों वादे करके सरकार में आई थी वो क्यों पूरे नहीं हो रहे? बीआरएस में कोई ये सवाल नहीं पूछता, दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की जमकर के मदद कर रहे हैं और सब कुछ पर्दे के पीछे कर रहे हैं। और जब दोनों पार्टियों के स्कैम की जांच होती है तो दोनों मिलकर के क्या करते हैं? एक ही काम, मोदी को गाली, यही करते हैं ना। दिन रात मोदी मोदी सिवाय कुछ करते हैं क्या ये लोग? इनके मुंह से कभी भारत मां की जय सुना क्या? मोदी को 100 बार बोलते हैं, मां भारत को एक बार भी याद नहीं करते। लेकिन तेलंगाना के मेरे साथियों, बीआरएस और कांग्रेस वो एक दूसरे के लिए चाहे कितनी भी कवर फायर कर लें, इनकी एक एक लूट का हिसाब होता रहेगा। मोदी
तेलंगाना के लोगों को गारंटी देता है कि तेलंगाना को लूटने वालों को छोड़ेगा नहीं। ये मोदी की गारंटी है, इदी मोदी गारंटी। साथियों, परिवारवादी पार्टियां, परिवारवाद में डूबे लोग केवल देश को लूटने के लिए राजनीति में आए हैं। ये लोग कभी देश का, किसी राज्य का भला नहीं कर सकते। आप परिवारवादियों का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, देश में जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं उनके पीछे कोई न कोई परिवारवादी पार्टी ही मिलेगी। आप यार सोचना, ये मीडिया के मित्रों को भी मैं होमवर्क देके जाता हूं, क्या आप सोचिए, देश में लाखों करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, किसका नाम आया? दिल्ली दरबार का संरक्षण और डीएमके परिवार की करतूत। देश में नेशनल हेराल्ड घोटाला हुआ, किसका नाम आया? कांग्रेस का सबसे बड़ा परिवार जो कांग्रेस पार्टी को चलाता है, उनका नाम आया। देश में बोफोर्स स्कैम भी हुआ था, किसका नाम आया था? इसी परिवार का। बिहार में इतना बड़ा चारा घोटाला हुआ, कौन अपराधी साबित हुआ? बिहार में नौकरी के बदले जमीन घोटाला हुआ, किसका नाम आया? आरजेडी चलाने वाले उसी परिवार के लोगों का। इसी परिवारवादी भ्रष्टाचार का शिकार हमारा तेलंगाना भी हुआ है। परिवारवादी बीआरएस ने प्रदेश में कालेश्वरम घोटाला किया है, दिल्ली में हुए लीकर स्कैम में भी कट कमीशन खा लिया। इसलिए कांग्रेस हो या बीआरएस, इनसे जितना बचेंगे, उनको जितना दूर रखेंगे, वही इसकी दवाई है। इसलिए 13 मई को आपको वोटिंग के दिन याद रखना है, बीजेपी को जिताना है, बीजेपी को आप तेलंगाना में बीजेपी को जितनी ज्यादा सीटें देंगे उतनी ही मेरी ऊर्जा बढ़ेगी। और ये जो शक्ति स्वरूपा का विनाश करने के लिए निकले हैं ना, उनकी रक्षा करने के लिए मुझे ताकत चाहिए। अब मैं विकसित भारत के लिए और ज्यादा परिश्रम करूंगा, आपको भरोसा है ना? मैं परिश्रम करूंगा, इस बात में भरोसा है ना? क्या कभी मैंने मेहनत करने में कमी रखी है क्या? खुद को खपाऊंगा और कुर्सी की परवाह किए बिना आपकी भलाई के लिए जो जरूरी है वो निर्णय करूंगा। साथियों,
हमारा विजन है विकसित तेलंगाना से विकसित भारत का निर्माण। बीते 10 वर्षों की एक बड़ी उपलब्धि है कि हमने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला है। हमने इसके लिए योजनाएं बनाई, हमने ईमानदारी से हर योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाया, हमने देश भर में गरीब परिवारों को 4 करोड़ से ज्यादा पीएम आवास बनाकर दिए, हमने 12 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाया, हमने देश के 50 करोड़ लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा, आज 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं के जरिए गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए की सहायता दी। साथियों, हमारी सरकार ने इन सभी योजनाओं का लाभ तेलंगाना की जनता तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाया है। हमने तेलंगाना की माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के 11 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए। हम तेलंगाना के 30 लाख किसानों को हर साल किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये भेज रहे हैं। तेलंगाना में आयुष्मान भारत योजना से 80 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। आज भी बीजेपी सरकार तेलंगाना के 2 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन की व्यवस्था कर रही है। अगर यहां तेलंगाना में बीजेपी की सरकार होती तो हम तेलंगाना को और आगे ले जाने में हमें सुविधा रहती, क्योंकि हम जनता को साथ लेकर चलते। साथियों, पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव में आपने बीआरएस के प्रति जो गुस्सा था, किसी भी हालत में आप बीआरएस को खत्म करना चाहते थे, आपने वो काम कर दिया। ये चुनाव दिल्ली में फिर एक बार मोदी सरकार को लाने का चुनाव है। साथियों, हमने सिर्फ 10 साल में भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि इस प्रगति में हमारा किसान, हमारा श्रमिक वर्ग पीछे न रहे। इसलिए हमने पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं शुरू की, हमने किसान की आर्थिक ताकत को बढ़ाया और साथ ही उस पर फर्टिलाइजर के बढ़ते दामों का बोझ भी नहीं आने दिया। हमने किसान की आय बढ़ाने के लिए फसलों के एमएसपी बढ़ाई। आज इन प्रयासों का लाभ तेलंगाना के किसानों को मिल रहा है। 2014 में धान की जो एमएसपी 1300 रुपये थी, वो आज 2200 रुपये है। हमने अकेले तेलंगाना के किसानों से
1,30,000 करोड़ रुपए की धान खरीद की है। ये क्षेत्र हल्दी के किसानों का भी क्षेत्र है। कांग्रेस बीआरएस ने कभी उनकी भी चिंता नहीं की। हमने टर्मरिक किसानों के लिए टर्मरिक बोर्ड का गठन किया। 2014 में हल्दी की जो कीमत 6,000 से 8,000 रुपये प्रति क्विंटल थी, आज उसके 20,000 रुपये तक मिल रहे हैं। गन्ना किसानों के लिए भी हमने प्रति क्विंटल मूल्य बढ़ाकर 340 रुपये कर दिया है। यहां की राज्य सरकारों का आलम यह है कि वो अभी तक बंद पड़ी निजाम शुगर फैक्ट्री को शुरू नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमने करीब 6,400 करोड़ रुपये खर्च करके रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री फिर से शुरू कर दी। इस फैक्ट्री में आज 75,000 टन यूरिया बन रहा है। इससे किसानों का फायदा तो हो ही रहा है, युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। अब अगले 5 वर्षों में हमें किसानों को समृद्धि की नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। साथियों, पहले देश में विकास से जुड़े वायदों को सबसे बड़ा चुनावी झूठ माना जाता था, लेकिन इन 10 वर्षों में विकास भारत की सबसे बड़ी पहचान बनकर के उभरा है। आज भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। इन 10 वर्षों में हमने तेलंगाना के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व काम किया है। हमारे तेलुगु भाषी लोग दुनिया के हर देश में मिलेंगे, अच्छी पोजीशन में मिलेंगे, मेहनत करने वाले मिलेंगे। और आप पूछिए, जो भी तेलुगु भाषी दुनिया में रहता है उसको पूछिए, आज दुनिया में उसका सम्मान है कि नहीं है, वो सीना तान करके कहेगा, मैं जहां भी जाता हूं हिंदुस्तान का गौरव होता है। हमने यहां करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च करके नेशनल हाईवेज बनवाए हैं। 2014 तक तेलंगाना में सिर्फ 2,500 किलोमीटर नेशनल हाईवेज थे। जरा आंकड़ा याद रखिए, 2014 के पहले यानी देश आजाद हुआ तब से लेकर के 75 साल 70 साल जो भी है समय, सिर्फ 2,500 किलोमीटर। ये उनका काम देखिए और ये मोदी का कमाल देखिए। हमने केवल 10 वर्षों में 2,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना दिए। करीमनगर से वारंगल के बीच 2,500 करोड़ रुपए के 4-लेन प्रोजेक्ट जैसे विकास के काम यहां हुए हैं। हम तेलंगाना के रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं, यहां वंदे भारत कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। साथियों, आने वाले 2 जून को तेलंगाना के जन्म के 10 साल पूरे होंगे और इसलिए 4 जून को नतीजों के बाद केंद्र में भाजपा सरकार बनेगी, वो देश के साथ ही तेलंगाना के अगले दशक का भी भाग्य बनाएगी। इसलिए अगले 5 वर्ष तेलंगाना के लिए बहुत अहम है। अगले 5 वर्षों में हम तेलंगाना के हाईवे और एक्सप्रेसवे,
इस नेटवर्क को और आधुनिक बनाना चाहते हैं। अगले 5 वर्ष में हम यहां के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन बनाएंगे। अगले 5 वर्षों में हमें डिजिटल इंडिया का विस्तार गांव गांव तक करना है। अगले 5 वर्षों में हमें ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों नए गोदाम बनाने हैं ताकि किसानों को लाभ हो। अगले 5 वर्षों में हमें घरों पर ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल लगवाने हैं ताकि बिजली बिल 0 हो जाए। और इस सब में तेलंगाना और तेलंगाना के प्रतिभाशाली युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी। ये 18वीं लोकसभा का चुनाव है। 18 साल के ऊपर के हर युवा को विकसित भारत के लिए वोट करना है, विकसित तेलंगाना के लिए वोट करना है। और ये तब होगा जब आप इस चुनाव में कमल के निशान पर बीजेपी को अपना आशीर्वाद दें। इस चुनाव में निजामाबाद से भाई अरविंद धर्मपुरी गारू, करीमनगर से मंडी संजय कुमार गारू और पेद्दा पलई से मेरे भाई गोमासा श्रीनिवास गोरा, भारी मतों से इनको विजयी बनाना है। आशीर्वाद मिलेंगे आपको, हर बोलिंग बूथ में जिताएंगे, हर पोलिंग बूथ में जाएंगे। और मैं आपको एक और बात कहूंगा, अभी किशन रेड्डी जी ने इसके विषय में विस्तार से बताया। अब देखिए, मैंने एक हिम्मत की है, हम वो हिम्मत तो मेरी तब काम आएगी जब आप मेरी मदद करेंगे, करेंगे मदद। देखिए, मैंने मेहनत की है, हिम्मत भी की है, लेकिन आपकी मदद के बिना कुछ होना नहीं है, करेंगे मदद। देखिए, मैंने एक काम किया है, टेक्नोलॉजी की मदद से मैं अब तेलुगु में आपसे बात करना चाहता हूं। 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन 80-90% तो हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, करेंगे करेंगे। आप अपने मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया में जो एक्स होता है ना, एक्स है, एक्स साइट होती है, वहां जाकर के नमो इन तेलुगु, नमो इन तेलुगु हैंडल पर जाइए, तो वहां ये आपका सेवक आपसे तेलुगु में बात करेगा। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे आप, पहले वाला तो करेंगे ना, सब बताइए करेंगे ना, जरा हाथ ऊपर करके बताइए करेंगे ना। अच्छा, दूसरा एक काम करोगे, अभी मैंने ये हिम्मत की है, शुरुआत की है, अगर आप उसको सुन करके उसमें क्या क्या गलतियां रह गई है, उसमें क्या क्या कमी रह गई है, क्या मुझे बताएंगे क्या? आप मेरे टीचर, काम करेंगे ना, मुझे सिखाएंगे ना तेलुगु, तो मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं तेलुगु में आप लोगों से लगातार बात करना चाहता हूं, और इसलिए मैंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। मैं चाहता हूं आप ही नहीं, पूरा तेलंगाना अपने मोबाइल फोन पर मोदी को तेलुगु में सुने। और आप जब मोबाइल पर ऐप पर जाकर के नमो इन तेलुगु डाउनलोड करोगे, फिर आप किसी को भी कह सकते हैं, ए गड़बड़ मत कर, मोदी मेरी जेब में है। ऐसा कह सकते हैं ना? देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुझे अपनी बात पहुंचानी है, उनकी भाषा में पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन उसके लिए तेलंगाना के हर मोबाइल फोन पर
मोदी होना चाहिए, मोदी इन तेलुगु होना चाहिए। और मैं आपको गारंटी देने आया हूं, मैं विकसित तेलंगाना की गारंटी देता हूं दोस्तों। मुझे विश्वास है आप भी मुझे इस बार तेलंगाना में बीजेपी का परचम लहराने की गारंटी देंगे। देंगे ना? आप भी मुझे गारंटी देंगे ना? देखिए, आपकी गारंटी के लिए आप अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कीजिए, आपके मोबाइल का फ्लैश लाइट बनाइए, ये मुझे गारंटी देनी है आपको। आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट, हर किसी के मोबाइल की फ्लैश लाइट जलनी चाहिए, ये आपकी गारंटी है मुझे, ये आपकी गारंटी है मुझे। ये मेरे तेलंगाना के भाइयों बहनों की गारंटी है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।